करेंगे। अच्छा, पिछले 90 दिनों से एक बार भी आप समर्थन में आपने ट्वीट वगैरह क्यों नहीं किया? पिछले 90 दिनों से मालूम था आपको, पता ही नहीं था मुझे क्या मोहतेन, मैं तो दिल्ली में, मुझे क्या मालूम था, आप बताइए कभी। अच्छा अच्छा, एक एक बात बताइए, पिछला जो मुआवजा है पिछला, वो भी सही से नहीं किसानों को मिला है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अगर नहीं मिला तो मिलना चाहिए ना। जो डीएम साहब हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही हम लोगों ने दिया है, वो डीएम तो अगर नहीं मिला है तो निश्चित मिलना चाहिए, और इसकी लड़ाई हम लोग कहीं तक जाकर लड़ेंगे। यहाँ पे जो डीएम साहब हैं, जो डीएम साहब हैं सर, उनका कहना है कि हम लोगों ने बिल्कुल सही सही मुआवजा दिया है, स्कैम कहीं और हो रहा है। अश्विनी चौबे कहे कि हमने क्लियर कर दिया है, नीतीश कुमार स्कैम कर रहे हैं। स्कैम केंद्र सरकार कर रही है कि अब जहाँ भी देखिए, तो पूरा विषय मुझे नहीं मालूम है, हम पूरे विषय की जानकारी करेंगे और सब पूरा करेंगे, हम उसमें क्या दिक्कत है? तो सर, तो आप इतने बड़े नेता हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए थी? नहीं नहीं, होनी निश्चित होनी चाहिए थी, मैं तो अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। श्री सुशील मोदी जी, हालांकि मुझे जानकारी नहीं थी, ये कह के पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं, पूरी तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये, इधर आइए, सुशील मोदी जी सीधे कह के पल्ला झाड़ लिए कि हमें कुछ पता ही नहीं था। अब जब चुकी जिस मंत्री को कुछ पता नहीं है, उसे आप क्या सवाल करेंगे? वो कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है कि यहाँ पे जमीनों को कितना मुआवजा दिए देना है, नहीं देना है, कितना पैसा देना है, नहीं देना है, कितनी जमीनें ली गई है, कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है। चोर भरे हुए हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? सारे चोर भरे हुए हैं, सब लोग चोर हैं, कोई किसान के साथ सब नेता लोग चोर है। मैं पूछ रहा हूँ, तो उतने सारे नेता आए बोले कि मैं सांसद में आवाज उठाया हूँ, तो ये सांसद में नहीं जाते हैं? देखिए, बस सोचने वाली बात इतनी सी है कि अगर इतने बड़े मंत्री को पता ही नहीं है कि 90 दिन से चौसा में आंदोलन हो रहा है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इतने दिन से कहाँ थे वो? इतने दिनों से इतना दिशा कहाँ थे? और लेकर चल रहा है, गाड़ी पे नहीं जाएंगे। अब आगे का आप नज़ारा देख सकते हैं कि लोगों ने सुशील मोदी जी को घेर लिया, और घेर लेने के बाद पैदल ही सुशील मोदी जी चलेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। यहाँ हम लोग का चलेगा, यहाँ से गोलापुर तक पैदल इनको लेकर चल रहा है, इतना दिन से क्यों नहीं आए? बिल्कुल बिल्कुल। सब गाली गलौज, एक ढेला ढूली वाला काम मत करिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग देला से भागत माने भागे थे जी। हां, ग्राउंड रिपोर्टिंग देला हने सन बात नहीं। अरे ओ गेंद हुआ। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुशील मोदी जी यहां से अब निकल गए हैं, और उनसे सिर्फ दो सवाल हम लोगों ने पूछा, सिर्फ दो सवाल। पहला सवाल कि 90 दिनों तक आप कहां थे, और दूसरा सवाल कि किसानों को उनका मुआवजा, उचित मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं। और दोनों सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमको कुछ भी पता नहीं था। और यहीं पे श्री परशुराम चतुर्वेदी जी हैं, नमस्कार है आप जी। नमस्कार। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप भी भाजपा की पार्टी से हैं जी, जी। और श्री सुशील मोदी जी भी हैं जी, जी। तो सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था कि 90 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं जी जी। तो इस पे क्या कहिए? क्या सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि 90 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमको ये पता ही नहीं? आंदोलन की जानकारी उनको नहीं रही होगी, क्योंकि आंदोलन चल रहा था, धरना लोग दे रहे थे, ये जानकारी हम लोग की थी, और उस स्थित पहल भी हम लोगों ने किया। बात समझ गए? एमबी कौन बैठा है? जब तक एमबीआर जो है, आप 2013-14 के बाद घोषणा करना राज्य सरकार का है, और डीएम के साथ हम लोगों ने कई बार मीटिंग किया, माननीय सांसद ने भी बैठक किया, और कहा कि कम से कम 6 मैन कमिटी बैठा के कमिश्नर से बात करके और अद्यतन पैसा भुगतान
किसानों को किया जाए, बात समझ गए, और सरकार देने के लिए तैयार है। तो आपकी जिम्मेवारी बनती थी ना कि सुशील मोदी तक बात पहुंचाएं, नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएं, आपकी तो फोन पे डायरेक्ट बात होती होगी। भाई देखिए, हम लोग जहां तक है वहां तक पहल किए, और यहां का प्रशासन जो है आप जानते हैं ये 11,000 करोड़ का है, और नीतीश कुमार जी हमेशा पलटी मार के जाते हैं, ये चाहते हैं कि केंद्र के पाले में गेंद न जाए, ये विकास अवरुद्ध हो जाए, इसलिए उनका सिस्टम है जी राज्य सरकार, चूंकि उनके नुमाइंदे हैं डीएम, प्रशासन तो उनका है ना भाई, तो उन्होंने ऐसे करके अड़ंगा जी से दरभंगा में देख लीजिए, यहाँ इथेनॉल का फैक्ट्री लग रहा था तब तक वो दरभंगा लेके चले, नहीं दरभंगा नहीं पलटी मार के जो नवानगर में लग रहा था, बड़े बड़े उद्योग के नाम पर तो उनको चिढ़ है, उद्योग के नाम पर चिढ़ है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये राज्य सरकार की दोष मैं देता हूँ। तो इस तरीके से कोई केंद्र सरकार को दोष दे रहा है, कोई राज्य सरकार को दोष दे रहा है, सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि हमको पता नहीं था, अब जब उनको कुछ पता नहीं है तो सवाल किससे कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा कि गांव के लोगों ने इस बार सवाल किया है।